आज के टाइम में बैंकिंग बहुत ही आसान हो गई है। बस मोबाइल उठाया और गूगल पे, फोन पे, भीम, यूपीआई और पेटीएम की मदद से झटपट से ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट कर दी। आप रिजर्वेशन से लेकर यूटिलिटी पेमेंट भी इनकी मदद से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक झंझट है और वो है इंटरनेट। घर पर या शहरी इलाकों में रहे तो ठीक है, लेकिन शहर से बाहर निकले, ऊंची इमारत पर हो या फिर बेसमेंट में, तो ये सारी सुविधाएं हो जाती हैं फेल। इंटरनेट नहीं तो पेमेंट नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप बिना इंटरनेट के भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ये सुविधा है *99# मोबाइल बैंकिंग सर्विस। ये एक USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा आधारित बैंकिंग सर्विस है। आइए जानते हैं कि क्या है USSD और *99# मोबाइल बैंकिंग, आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि 99# सर्विस क्या है और ये कैसे काम करती है। ये बैंकिंग सर्विस देश की 4 टेलीकॉम कंपनियों और 83 अग्रणी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों द्वारा पेश किया गया है। इस सर्विस की खास बात यह है कि आप इसे हिंदी और इंग्लिश सहित 13 अलग अलग भाषाओं में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत आपको नहीं है, बस आपके फोन में नेटवर्क उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ फंड ट्रांसफर के साथ ही UPI पिन बदलने और अकाउंट की शेष राशि यानी कि बैलेंस जो है उसको जानने की भी सुविधा मिलती है। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है जिन्हें अक्सर इंटरनेट इशू की परेशानी होती है या इंटरनेट के इशू की वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाते। आइए जानते हैं कि ऑफलाइन UPI पेमेंट का तरीका क्या है। तो बता दूं कि इस सुविधा के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास स्मार्टफोन हो, आप चाहें तो फीचर फोन की मदद से भी ऑफलाइन UPI पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले अपने फीचर या फिर स्मार्टफोन से *99# नंबर को आपको डायल करना है। अगर आप ड्यूअल सिम फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी नंबर से आप ये कोड डायल करें जो आपके बैंक खाते से लिंक है। इसके बाद अपनी भाषा को चुनें, हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा में आपको आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और बैंक का नाम दर्ज करें। इसके बाद आपको उन बैंक अकाउंट की लिस्ट दिखेगी जिसे आपने अपने नंबर से जोड़ा हुआ है। अब एक्सपायरी डेट और डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट आपको ऐड करने हैं। ये सेटिंग आपको पहले ट्रांजैक्शन से पहले करनी होगी। एक बार सेटअप पूरा करने के बाद आप आसानी से अगली बार सारी पेमेंट कर सकते हैं। अब ऑफलाइन UPI पेमेंट का तरीका भी बता देती हूँ। ऑफलाइन UPI पेमेंट के लिए सबसे पहले फोन नंबर से *99# डायल करना है, फिर पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दर्ज करना होगा। इस दौरान आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, इस ऑप्शन का आप चुनाव करें। फिर उस व्यक्ति का UPI ID, फोन नंबर या फिर बैंक अकाउंट आपको डालना होगा। इसके बाद आप अपनी UPI पिन दर्ज करें। UPI पिन डालने के बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है ये दिख जाएगा, स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि पेमेंट के लिए मैक्सिमम लिमिट बंद की गई है। सरकार ने इसके लिए 1 दिन में ₹5,000 तक की पेमेंट लिमिट तय की है। तो इस तरह से अब आपको कोई भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए, कोई पेमेंट करने के लिए इंटरनेट की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आपको चाहिए एक मोबाइल का सिग्नल आता हो और आप आराम से कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट।